गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारा फिफ्थ चैप्टर एडिंग कलर्स जो कि एक पोयम है इसकी समरी देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। वी कैन गेट ग्रे कलर बाय एडिंग ब्लैक एंड वाइट। हम स्लेटी रंग जो है वो काला और सफ़ेद रंग मिलाकर प्राप्त कर सकते हैं। मतलब काला और सफ़ेद अगर मिलाते हैं ना कलर, तो स्लेटी रंग बनता है। वी शुड प्रे टू गॉड डेली। अब यहाँ पे प्रे की स्पेलिंग आप कलेक्ट करेंगे, PRAY होगी। वी शुड प्रे टू गॉड डेली, और हमें भगवान से रोज प्रार्थना करनी चाहिए। अब देखिए ये वर्ड क्यों है, पोयम पढ़ेंगे ना तब हमें पता चलेगा। राइमिंग स्कीम के लिए पोएट जो है उन्होंने इस सेंटेंस को यूज लिया है। तो पहले हम समरी देखते हैं, फिर पोयम जब रीड करेंगे तब हम राइमिंग स्कीम भी देखेंगे। तो अब हमने क्या पढ़ा कि ग्रे कलर बनाने के लिए ब्लैक और वाइट ऐड करते हैं। अब आगे, वी शुड मिक्स येलो टू ब्लैक ब्लू टू गेट ग्रीन कलर। अब ग्रीन कलर अगर हमें गेट करना है, प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना होगा, येलो और ब्लू को मिक्स करना होगा। आवर हाउस शुड बी नीट एंड क्लीन एज वेल एज अरेंज। और हमारा घर जो है वो साफ और स्वच्छ साथ ही साथ व्यवस्थित भी होना चाहिए। तो ये उन्होंने बताई। नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, इफ़ वी मिक्स रेड टू वाइट। अगर हम रेड और वाइट को मिक्स करते हैं, मतलब लाल और सफ़ेद रंग को मिक्स करते हैं, इट बिकम्स पिंक कलर, तो ये गुलाबी रंग बन जाता है। वी शुड ड्रिंक मिल्क एट इवनिंग एंड मॉर्निंग। और आगे पोएट क्या कह रहे हैं कि हमें सुबह और शाम दो बार दिन में दूध पीना चाहिए। वी कैन गेट ऑरेंज बाय एडिंग येलो टू रेड। अगर हमें ऑरेंज कलर प्राप्त करना है या बनाना है, तो हमें येलो और रेड को मिक्स करना होगा। वी शुड काउंट द चेंज आफ्टर बाइंग समथिंग। अब आगे हमें पोएट क्या कह रहे हैं कि अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं और हमें दुकानदार खुले रुपए देता है, तो टू मेक श्योर, हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वी हैव पेड द राइट अमाउंट ऑफ द आर्टिकल, कि हमें उस चीज़ की सही कीमत तो उसने ली है या नहीं, या हमने सही कीमत दी है या नहीं, या कोई कम या ज़्यादा रुपए तो नहीं आ गए हमारे पास, तो ये हमें सुनिश्चित करना चाहिए। इफ़ वी मिक्स रेड एंड ब्लू कलर्स वी विल गेट पर्पल कलर। आगे क्या कह रहे हैं पोएट कि अगर हम रेड और ब्लू को मिक्स करते हैं, तो पर्पल बैंगनी रंग बन जाता है। द लवली कपल ऑफ माई पेरेंट्स शुड बी रिमेन एवर। और मेरे माता पिता जो हैं हमेशा एक लवली कपल के रूप में, सुंदर जोड़े के रूप में रहने चाहिए। ये भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने क्या कहा, वी शुड प्रे टू गॉड डेली, हमें भगवान से रोज प्रार्थना करनी चाहिए। तो अब हमने कौन कौन से कलर बनाए, फर्स्ट ग्रे कलर बनाया, कैसे, ब्लैक और वाइट मिक्स करके। फिर हमने येलो और ब्लू को मिक्स करके ग्रीन कलर बनाया, ठीक है, दो गए। फिर हमने रेड टू वाइट, रेड और वाइट को मिक्स करके पिंक कलर बनाया, थ्री हो गए कलर्स। फिर हमने ऑरेंज कलर कैसे बनाया, येलो और रेड को मिक्स करके, चार हो गए। फिर हमने क्या किया, फिर हमने लास्ट हमारा पर्पल कलर जो बनाया वो रेड और ब्लू को मिक्स करके बनाया, तो फाइव कलर्स हो गए ना हमारे। तो आज आप भी ये एक्टिविटी करके देखेंगे, कलर्स मिक्स करके ऐड करके न्यू कलर आपको भी बनाने हैं, ठीक है। अब हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखते हैं, सबसे पहले जो कल सेंड किए थे। तो टाइडी मीन्स व्यवस्थित, कोई चीज़ अरेंज नीटली, अरेंज नीटली एंड इन ऑर्डर, सही तरीके से जो व्यवस्थित की जाए, क्या होती है वो, टाइडी। फिर है बाई, बाई मतलब टू गेट समथिंग, बाई कुछ कोई चीज़ खरीदना, मतलब बाई मतलब क्या हो गया, खरीदना, पैसे दे के खरीदते हैं। काउंट टू कैलकुलेट एनीथिंग, किसी चीज़ की गणना करना मीन्स गिनना। फिर आ गया हमारा चेंज, चेंज क्या हो गया, द मनी दैट यू गेट बैक व्हेन यू पेड समथिंग गिविंग मोर मनी देन द अमाउंट इज कॉस्ट। अब किसी वस्तु की कीमत जब जो होती है उससे अगर हम मोर मनी ज़्यादा अमाउंट दे देते हैं, उसके बाद हमें जो खुले रुपए दिए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, चेंज। वैसे तो चेंज मतलब क्या होता है, परिवर्तन भी होता है ना, पर यहाँ पर चेंज क्या है, यहाँ पर चेंज हमारे लिए
खुले रुपयों के लिए आया है। फिर है पर्पल, पर्पल मीन्स बैंगनी रंग, द कलर ऑफ ब्लू एंड रेड मिक्स टुगेदर, जब ब्लू और रेड मिक्स करते हैं बैंगनी रंग बन जाता है। कपल हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी का जो जोड़ा होता है वो होता है कपल। एडिंग मतलब टू एड समथिंग, मिलाना या जोड़ते हुए। वेरियस, वेरियस मीन्स डिफरेंट मीन्स विभिन्न। अब यहाँ पे भी स्पेलिंग सही करोगे आप, पी आर ए वाई, प्रे मतलब प्रेयर टू गॉड, भगवान से प्रार्थना करना। और लवली, लवली मीन्स बिलव्ड, हमारा जो प्रिय होता है कोई भी। तो यहाँ पर हमने समरी देखी। अब हमने क्या देखा इस समरी में, फाइव कलर्स बने हैं ना, तो आप भी क्या करेंगे, उन फाइव कलर्स को बना के देखेंगे। इज दैट क्लियर? थैंक यू।